अभी तक हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू आया था आपको कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आया था आपको साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू आया था आपको कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू आया था आपको टेन 90 माइनस थीटा, सिक थीटा इज इक्वल टू आया था आपको कॉसिक 90 माइनस थीटा और कॉसिक थीटा इज इक्वल टू आया था आपको सेक 90 माइनस थीटा। यानी यहां हम देखे थे कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या हम कंक्लूजन निकाले थे कि साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉस है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन है, टैन का कॉम्प्लीमेंट मेरा है कॉट और कॉट का कॉम्प्लीमेंट टैन, सेक का कॉम्प्लीमेंट है मेरा कॉसेक और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट है सेक। तो ये तो हुआ था फॉर्मूला, ये तो हम प्रूफ कर चुके थे, ठीक है, ये भी आपका प्रूफ हो गया होगा। अब हम लोग जानेंगे आज इस पर कुछ क्वेश्चंस को, कैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस पर है आपको कि इवेल्युएट मतलब फाइंड करना है वैल्यू किसका, तो दिया है आपको साइन 15 डिग्री बाई कॉस 75 डिग्री प्लस साइन 64 डिग्री बाई इतना सेक है 72 डिग्री और कॉसेक है 18 डिग्री। इस तरह आपको वैल्यू फाइंड करना है इसमें, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो देखते हैं हम लोग पहले कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग कि उनका सम 90 हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 15 प्लस 75 90 हो रहा है, यहाँ भी आपका सम 90, यहाँ भी आपका सम 90 हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या करना है, अगर हम बात करें इसका, तो इसमें आप किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, या तो साइन को चेंज कीजिए या तो कॉस को चेंज कीजिए। यहां अगर बात करें हम इसको चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या है यहाँ पर थीटा 15 डिग्री है, तो हम जान चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यानी यहां पर हम अगर थीटा 15 डिग्री ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 15, थीटा के जगह हम 15 रिप्लेस कर दिए, यानी कॉस 75 डिग्री, मतलब जो साइन 15 डिग्री है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो कॉस 75 डिग्री के। तो इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, इस वाले को हटा के हम लिख देंगे ऊपर कॉस 75 डिग्री, और नीचे वाले को आपको नहीं बदलना, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। सिमिलरली इसका अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, वो कॉस 90 माइनस 64 26, यानी ये भी आपका 26, यहां भी कॉस 26, जानते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉसेक है, तो 72 डिग्री है। तो अगर हम बात करें तो क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहां देखें थीटा कितना डिग्री है, 72 डिग्री, तो यानी सेक 72 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो कॉसेक 90, थीटा की जगह हम क्या ले रहे हैं, तो 72, तो कॉसेक 18 डिग्री, मतलब सेक 72 किसके इक्वल, कॉसेक 18 के इक्वल, कॉसेक 18 डिग्री बाय कॉसेक 18 डिग्री, ये कट के 1, ये कट के 1, ये कट के 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर क्या हो गया आपका, ठीक हो गया। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा इस तरह का,
ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि cos 54 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री माइनस साइन 54 इंटू साइन 36 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो वैसे ही किसी एक को आप कन्वर्ट कीजिए, तो हम यहां पर इस वाले को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, तो cos का कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो साइन है, तो ये बताइए cos 54 डिग्री है, तो जानते हैं हम cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपको साइन 90 माइनस तो यहां पर क्या होगा आपको cos 54 डिग्री किसके इक्वल साइन 36 के, और यहां पर अगर हम बदलें इसको तो ये आपको क्या होगा तो साइन 54 डिग्री बन जाएगा, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 54 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री। अब देखिए यहां पर दोनों क्या है साइन 36 इंटू साइन 54 माइनस साइन 54 इंटू साइन 36 दोनों कैंसिल होके क्या रिजल्ट दिया आपको जीरो। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये आपको लाना है वन, ठीक है, तो यहां हम देखते हैं तो क्या करेंगे, तो यहां भी हम क्या करने वाले हैं, तो किसी एक को कन्वर्ट करना है, या तो आप कॉस कन्वर्ट कीजिए या तो आप साइन कन्वर्ट कीजिए, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं इस कॉस को कन्वर्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा यहां से साइन 20 डिग्री है और कॉस 70 है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा साइन 20 डिग्री। यहां पर देखिए अब एंगल कितना का चल रहा है 20 डिग्री का, तो यानी इधर भी जो टर्म आएगा वो सारा किसका होना चाहिए 20 का ही, तो ये तो ऑलरेडी 20 में है, इसको वैसे ही रहने दिए। साइन 70 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर बात करें हम साइन 70 का तो वो क्या होगा आपको कॉस 90 माइनस 70 मतलब कॉस 20, इसके बदले भी क्या होगा आपको तो कॉस 20 डिग्री, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अब बताइए यहां पर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपको वन होता है, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको आता है इस तरीके का, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन, तो tan 5 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के पहले क्या देखते हैं, तो देखिए कौन इसमें से कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब किन दो एंगल को जोड़ने पे आपको 90 मिलता है, तो देखिए हम लोग अगर यहां पर 5 डिग्री है और किसको हम ले तो 90 बनेगा तो 85, एंड इन दोनों को हम अगर साथ लेते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, इसको हम एक साथ लिख दिए, तो लिख देते हैं tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, क्लियर है। अगला देखे तो tan 10 डिग्री है और tan 80, 80 प्लस 10 90, इसको भी हम अलग लिख देते हैं, तो tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, अकेला कौन बच गया है आपको तो tan 60 डिग्री आपका अकेला बच गया है। अब यहां पर हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, किसी एक को आप कन्वर्ट कीजिए या तो इसको या तो इसको, तो हम जानते हैं फॉर्मूला से क्या है tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो यहां पर थीटा का कितना एंगल लेके चल रहे हैं 5 डिग्री, तो tan 5 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर तो cot 90 माइनस 5 मतलब cot 85 डिग्री, मतलब tan 85 डिग्री किसके इक्वल होगा cot 85 डिग्री के,
तो यहां हम लिख देते हैं cot 85 डिग्री, यहां इनटू आपका 85 डिग्री रह गया। सेम काम हम यहां करें तो यहां भी हमको क्या मिलेगा, tan 10 डिग्री इज इक्वल टू cot 80 डिग्री इनटू tan 80 डिग्री। और अब बताइए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री, ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहां देखिए हम लोग दोनों का एंगल क्या है, सेम है, cot 85 और tan 85, तो हम लोग जान चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cot का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर बात करें हम तो tan इंटू cot ये क्या होता है, 1 होता है आपको। तो यहां भी cot 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री क्या बन जाएगा आपको, तो ये 1, यहां भी cot थीटा और ये भी tan थीटा दोनों सेम एंगल मिल रहा है, तो ये भी आपको 1, और फिर वहां क्या आपको रह गया, रूट थ्री, तो 1 × 1 × √3 आंसर क्या हो गया, रूट थ्री हो गया। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग यहां पर 4 टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, तो जो चारों टाइप का क्वेश्चन बताया गया है उसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा अपने बुक से, ठीक है, और जहां आपको प्रॉब्लम हो उसे आप पूछ लीजिएगा।